चैनल, आई एम गोइंग टू हॉस्टकास्ट टुडे एंड मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। हम लोग अभी नोएडा से हॉस्टकास्ट जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करने, कैफेज एक्सप्लोर करने, थोड़ा हॉस्टकास्ट में चिल करने। आज एक स्पेशल डे है, होपफुली आई गेट टू मीट दैट पर्सन एंड मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। सो चलो अभी के लिए फिलहाल लेट्स बोर्ड द मेट्रो एंड गो टू हॉस्टकास्ट। हॉस्टकास्ट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। यहाँ पे एक स्टोर है उसका एंड वहाँ पे शॉपिंग करेंगे एंड अगर वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड होगी तो आई विल आल्सो शो यू देयर कलेक्शन। दिस इज वेयर कबीर सिंह का एक सीन शूट हुआ है एंड यहाँ से वी हैव टू गो टू स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। दिस इज दैट तमाशा जहाँ पे शॉट हुआ था वो वाला सीन। दिस इज दैट प्लेस। यहीं से दीपिका पादुकोण ढूंढते ढूंढते आते रणबीर कपूर को एंड वो यहाँ पे खड़ा होता है। दिस स्टोर, सो इस स्टोर की अगर मैं बात करूँ कलेक्शन की, सो यू विल गेट सम जीन्स, सम गुड पेयर ऑफ जीन्स। बट अगर आप टॉप्स की बात करते हो, ड्रेसेस की बात करते हो, मेनली आपको यहाँ पे रिब्ड पैटर्न मिलेगा, चाहे वो क्रॉप टॉप्स हो, ड्रेसेस हो, एंड थोड़े से आपको एक दो सैम्पल्स ही डिफरेंट मिलेंगे यहाँ पे। सो आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी विद द कलेक्शन। बट मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी रील देखी थी जिसमें बहुत ही फैसिनेटिंग सी कलेक्शन लगती है, यहाँ पे मुझे बहुत ही सिंपल एंड रिपीटेटिव लगी। ओके, सो वी वेंट टू स्ट्रीट स्टाइल स्टोर एंड वहाँ हमें कुछ खास पसंद नहीं आया। ज़्यादा रिप्ड पैटर्न की चीज़ें थी वहाँ पे, रिपीटेड कलेक्शन इन डिफरेंट कलर्स। सो वी आर नाउ गोइंग टू अनदर स्टोर जो उसके साथ ही है, शीन स्टाइल स्टोर करके। सो लेट्स एक्सप्लोर द कलेक्शन हियर। ओके, सो इस स्टोर की कलेक्शन मुझे स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से तो एटलीस्ट बेटर लगी, बट यहाँ पे भी कुछ खास बहुत डिफरेंट वैरायटी नहीं है। रिप पैटर्न यहाँ पे भी आपको बहुत सारा मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द रिजेम्बलेंस ऑफ दिस स्टोर विद द शीन ब्रांड जो इंडिया से बैन हो चुका है। यहाँ पे ना सैटिन की शर्ट्स बहुत सुंदर सुंदर मिल रही थी। क्विक ओटीटी चेक, आई एम वेयरिंग दिस सिंपल ग्रीन टी शर्ट एंड आई एम वेयरिंग दिस जीन्स बैग एंड ट्रांसपेरेंट हील्स। माई सिस्टर गॉट इंटरेस्टेड इन अ फ्यू पेयर ऑफ जीन्स जो यहाँ पे मुझे मिली, जो अच्छी लग रही थी कलेक्शन, डिफरेंट कलेक्शन थी। सो यहाँ पे आपको ना ड्रेसेस के भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड ऑब्वियसली थोड़े से जो प्राइसेस हैं वो ऐसे ही पड़ेंगे आपको कि 2 dresses for 999 और 3 dresses for 999, बट थोड़ी सी वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी एंड जो इनकी कपड़ों की क्वालिटी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। टाई एंड डाई प्रिंट्स भी आपको यहाँ मिलेंगे एंड एज आई टोल्ड यू डेनिम्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर आपको लूज मॉम फिट या कलरफुल जीन्स लेनी है तो फिर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अभी हम लोग कुछ खाने जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कैफेज है, सो किसी कैफे को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी उसने कल अपनी स्टोरी में मेंशन किया था कि शी इज कमिंग टू बजट बाइट्स एट 5 एंड बजट बाइट्स है जेल रोड में। सो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज तिलक नगर एंड मैं वहां जा रही हूँ। अराउंड 5 बज ही गए हैं ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर मैंने उनसे इंस्टाग्राम लाइव पे बात की थी एंड आफ्टर अ ईयर आई हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग माई मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर एंड दिस इज सच अ बिग डील फॉर मी। I am getting butterflies in my stomach and रात को भी बहुत मुश्किल से मैं सो पाई थी। It's so hot right now but I cannot feel the heat क्योंकि I am so happy right now. So that is Budget Bites मेरे पीछे and I saw her inside and okay.
budget bikes and I have Ishan. Hi Ishan, first of all congrats on the new. अच्छा यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? I've heard momos and shawarma है. Everything on the menu is special. Like when you will visit us, you can ask any of my boys like this is what we want to have and then they will suggest you like these are the kind of food or the category of food which you can eat. Okay. Yeah. Cool. So, yeah. All the best. Thank you for you for coming and visiting us and experiencing. You are welcome. You are welcome. All the best, Vishal. सो आई एम बैक एट होम एंड मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ आज की मीटिंग के बारे में बात करना. तो कोविड के चक्कर में मैं जम्मू ही रहती हूँ, दिल्ली आना भी नहीं होता ज़्यादा एंड मैं एक मंथ के लिए दिल्ली आई हूँ एंड उसमें आई गेट टू मीट हर. तो ये बहुत ही आई गॉट लकी एक्चुअली एंड कल रात मैं ढंग से सो भी नहीं पाई थी, इस चक्कर में इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे. सो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात मैं अगर करूँ तो लास्ट ईयर आई वेंट लाइव विद क्वर्की, लाइक एक्चुअली शी वॉज ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम एंड शी वॉज लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड मैंने उसे अपना बैकग्राउंड दिखाया. आई वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम बट उससे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं उसे अपना बैकग्राउंड दिखा पा रही हूँ यूट्यूब वीडियोज़ का एंड अ ईयर लेटर आई गेट टू मीट हर. सो जब हम बजट बाइट्स पर बैठे हुए थे ना, एक और बंदी आई हुई थी वहाँ पर मिलने कोर्की से एंड शी टोल्ड मी, सो दैट गर्ल टोल्ड मी कि शी हैज सीन मी समवेयर. सो Aditi told her कि I had joined her Instagram live and मैंने अपना backdrop दिखाया था. तो I was surprised कि she still remembers it last year से. तो I asked her आपको अभी भी याद है ये चीज़? तो she said और क्या, तभी तो मैं इसे बुला रही थी, आ जाओ. I was मतलब that was my real fan girl moment. उस time पर तो मैं I was like भगवान इतना अच्छा दिन क्या हो गया, इतना मेहरबान कैसे हो रहे मेरे पे. बट सीरियसली दैट मोमेंट वॉज सो स्पेशल, वो मेरा हाईलाइट था पूरे मीट का. सो मीटअप था बजट बाइट्स पे जेल रोड पे. मैं स्पेशली उनको शाउट आउट देना चाहती हूँ, ए बिकॉज उनकी सर्विस फास्ट सर्विस है, फ्रेश फूड है एंड अगर आप वहाँ जाओ ना तो उनका कुरकुरे मोमोज या शावरमा ज़रूर ट्राई करना. लाइक जिसने भी ट्राई किया ना उसे तो बहुत अच्छा लगा एंड फूड की तो बहुत तारीफ हो रही थी. अराउंड 5 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी एंड अराउंड 8 बजे मैं निकली वहाँ से. लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था. मुझे पता है कि नोएडा आते आते मुझे 1-1.5 घंटा लग जाएगा बट आई थॉट कि इट्स वर्थ इट. इतनी दूर से जम्मू से आई डोंट नो मैं कब आऊँगी फिर से एंड कब मुझे मिलने का मौका मिलेगा. तो 3 घंटे आई वॉज जस्ट एडमायरिंग हर, लुकिंग एट हर. मतलब एक्चुअल में जो वीडियोज़ में मैं उन्हें देखती हूँ एंड आई वॉज एक्चुअली लिसनिंग टू हर लाइव, बस साथ में बैठ के मेरे लिए बहुत बड़ी डील थी ये. इतना होलसम, इतना सैटिस्फाइड लग रहा है ना मुझे अपने आप को अभी. अब वो पूरा मीटअप मैं अपने दिमाग में रिकॉल करने वाली हूँ एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. लेट्स होप वी रीच 10K सून. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.